हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी भजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो अलंकार है वो हम हारमोनियम पर किस तरीके से बजाएं। ये जो अलंकार है वो 8वें नंबर का अलंकार है। इससे पहले हमने 7 अलंकार ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों, उन अलंकारों की प्लेलिस्ट का जो लिंक है, एक साथ आपको अलंकार उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये अलंकार यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। और यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं, हारमोनियम बड़ी आसानी से आप सीखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, ये जो अलंकार नंबर 8 है, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं पेपर पर ले आया हूँ, आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अलंकार नंबर 8 है वो किस तरीके से बजेगा, देखिए। हर अलंकार की तरह इस ये अलंकार भी हम बिलावल थाट के अंदर ही बजा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं कि थाट क्या होती है, भैरव थाट, भैरवी थाट, कल्याण थाट इस तरीके से, तो उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 जो बेसिक थाट है वो मैंने बता रखी है। तो दोस्तों, अलंकार 8 है, आपको पता है कि 7 बटन होते हैं, 7 स्वर होते हैं। मेन जो 7 स्वर होते हैं वो होते हैं सारे गा, मापा, धानी, और एक हम एक्स्ट्रा बटन लेते हैं तार सप्तक का सा, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहले आरोह करते हैं अलंकार के अंदर, फिर हम क्या करते हैं, अवरोह करते हैं। तो आरोह के अंदर जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, देखिए किस तरीके का है। हर बटन को तीन तीन बार आपको बजाना है। देखिए, पहला बटन है सा, तो सा सा सा, नेक्स्ट बनेगा रे रे रे, नेक्स्ट बनेगा गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा। ये हम हारमोनियम पर भी आपको बजाकर बताएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से किस तरीके से बजाना है, ताकि आपकी जो गायकी है वो अच्छी हो सके, आपका बजाने का तरीका भी अलग हो, फास्ट आप बजा सके। वो कैसे बजाना है वो मैं बताऊंगा। ये हो गया हमारा आरोह। अब हम क्या करेंगे, अवरोह के अंदर यहाँ से चलेंगे। आरोह के अंदर तो इधर से चलते हैं और अवरोह के अंदर इधर से चलते हैं। तो यहाँ पर जो बटन है तारा सप्तक का सा, पहले ये लेना है, फिर नी लेना है, फिर धा, फिर पा, इस तरीके से हमको लेना है। देखिए, अवरोह बनेगा हमारा सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, और लास्ट बनेगा हमारा सा सा सा। तो दोस्तों, चाहे तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है, चाहे तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं इनका जो ये नोटेशन है अलंकार का, वो या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये पैटर्न हम हारमोनियम पर किस तरीके से बजाएंगे, देखिए। ये हमारा हो गया सा, पहली काली है, सी शार्प है, ये हमारा सा हो गया। तो आगे देखिए कौन कौन से बटन है, क्योंकि जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको स्वर बता देता हूँ। ये हमारा हो गया सा, ये हमारा हो गया रे, ये हमारा हो गया गा, मा पा धा, मा पा धा, नी और सा। यदि हम वापस आए तो ये हमारा सा हो गया, नी धा पा मा गा रे सा। ये बटन है, इन बटनों पर हम क्या करेंगे, अलंकार 8 को प्ले करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका अंदाज है। पहले मैं आपको बजाकर बता देता हूँ, आरोह और अवरोह दोनों के दोनों, देखिए। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं फिंगर रख रहा हूँ उसी तरीके से आपको रखनी है, और आप बोल कर भी इसको जरूर करें, ताकि आपकी गायकी में सुधार हो। देखिए, सा 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 रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा, सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, मा मा मा। दोबारा देखिए, आपको केवल 3 बार प्रेस करना है। बहुत सी बार आप क्या करते हो, 3 की जगह 4 बार प्रेस कर देते हो। तो पहले आप बिल्कुल धीरे धीरे करें, देखिए,
सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दो फिंगर्स, एक बटन को दो फिंगर से भी आप बजा सकते हैं। देखिए, इसे झालर टेक्निक बोला जाता है, यदि आपने नाम सुना हो तो। देखिए, इससे क्या होता है कि आप और भी फास्ट बजा सकते हैं यदि आप इस तरीके से बजाते हो तो। तो ये जो अलंकार आर्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आप बोल कर भी करें, देखिए। गा गा मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा। इस तरीके से आप अलंकारों की प्रैक्टिस करें। टोटल 8 अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी मैं आपको अलंकार बताने जा रहा हूँ। फिर हम एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हम 5-5 अलंकारों को एक वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको नोटेशन के साथ बजाकर बताएंगे, ताकि आप एक साथ उनको सीख सकें। फिलहाल मैं एक एक अलंकार एक एक वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल तरीके से सिखा रहा हूँ। फिर मैं आपको केवल बजाकर ही बताऊँगा। 5-5 अलंकारों का सेट लेंगे हम। तो दोस्तों, यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।